नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रज्ञा। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम सुनो सहेली में। जी हाँ, आज का विषय बहुत ज्यादा खास होने वाला है। सारी सहेलियां जरा ध्यान से सुन ले। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक योगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज का टॉपिक है योगा। योग की फील्ड में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, योग की फील्ड में हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं, और योग की फील्ड में हम कैसे एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, हमें तनाव हो जाता है, और उस तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन माध्यम है योगा। जी हाँ, योगा। और योग के बारे में हमें इस वक्त बताएंगी हमारे खास कार्यक्रम में आई हैं हमारी खास गेस्ट युक्ति योगेश्वरी जी। युक्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है सुनो सहेली। तो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपका जो सफर था वो कब शुरू हुआ? मैंने 2002 से योग का सफ़र शुरू किया जी। एक बार हमारे स्कूल में, कॉलेज में योग कैंप हुआ था जी, तो उससे मैं इम्प्रेस हुई और मैंने सोचा कि क्यों ना योग को ज्वाइन करा जाए। एक साइड चीज़ हो जाती है जी। क्योंकि नॉर्मल प्रोफेशन तो हर कोई चुनता है कि आपने जॉब की है या हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो आप, डॉक्टर हो, या एक ये थोड़ा हटके था, तो मैं कुछ हटके करना चाहती थी। उस समय योग इतना पॉपुलर नहीं था, तो इस हटके करने के लिए मैंने हमारा इंस्टीट्यूट है केवल धाम मुंबई लोनावाला में, वहाँ से मैंने योग का कोर्स किया था। तो 2001 से मेरी शुरुआत हुई। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि जब आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग योग की तरफ नहीं आते थे और लोगों को ज्यादा पता भी नहीं था कि नहीं योग में अपना करियर बना के तुम क्या करोगी। तो आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, स्पेशली जब आप इस फील्ड में आए? तो जब मैंने अपनी फैमिली को ये बताया तो सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, योग प्रोफेशन नहीं बन सकता, अगर तुम एज ए हॉबी उसको चूज करना चाहते हो जाओ सीखो और आ जाओ और अपना एक कोई और प्रोफेशन चूज करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले हम जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं थी तो मैं भी श्योर नहीं थी इस चीज़ के बारे में। अच्छा। पर जब मैं वहाँ गई और वहाँ जाकर मैंने देखा तो सब कुछ एकदम डिफरेंट था जी। और एक मतलब जो जिस टाइप की मैं बन के गई थी उससे एकदम डिफरेंट टाइप के होकर निकली मैं जी। मुझे लोग अच्छा, सुंदर, बुरा, मतलब गरीब, अमीर, एकदम चेंज हो चुका था मेरा एटीट्यूड कि कोई गरीब नहीं है, कोई सुंदर बदसूरत नहीं है, क्योंकि तब यंग एज में बहुत होता है कि कोई खूबसूरत हो तो उसी से फ्रेंडशिप करनी है। छोटी छोटी सी चीज़ें हम माइंड करते थे पहले बहुत, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, सब कुछ एकदम टोटली चेंज हो गया था। तो मुझे लगता है कि योग बहुत ही बेनिफिशियल है आज की जनरेशन के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आउट ऑफ इंडिया में भी कई सारे शोज किए हैं, कई सारे सेमिनार्स किए हैं, और वहाँ पर भी जाके आप योग सिखाती आई हैं, तो आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस मिलता है? इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है योग की तरफ झुक रहे हैं। जहाँ हम पहले देखते थे कि जिम और एक्सरसाइजेस होती थी, उसके एवज में अब चेंज हो गया है काफ़ी, और स्पेशली जो योग ट्रेडिशनल है उसकी तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। अब आप सोचोगे ट्रेडिशनल योग या ये, क्योंकि योग को लोगों ने डाइल्यूट कर दिया है सिर्फ प्रोफेशन के लिए। एक माइनस पॉइंट ये भी है कि लोग प्रोफेशनल इतने ज़्यादा हो गए हैं योग में कि वो एक्चुअली जो योग है उसे भूल ही गए हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे यही है कि ये जो ट्रेडिशन योग के बारे में आप बता रही हैं कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो हमारे व्यूअर है, जो हमारी जो सहेलियां, जो दर्शक जो देख भी रहे हैं, वो भी यही सोचते हैं कि योगा जैसे दिखा दिया एक बार ही टीवी पे, बस वो योगा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो योग एक्चुअल में हमारा इंडियन योग है ही नहीं, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर हमारे जो योग में, जो पतंजलि योग में जो सिखाए गए हैं, जो पुराने शास्त्र में योग की जो परिभाषा है, उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगी? योग में हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। इट मीन्स कि योग से चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ क्या हैं, जैसे आपके राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब वृत्तियों में आ जाते हैं, अविद्या, ये सब वृत्तियों में आ जाती हैं, ये
इससे इसका निरोध करना का मतलब ये नहीं है, निरोध करना मतलब उसे रोक देना, क्योंकि रोकना तो संभव नहीं है, ह्यूमन नेचर में किसी भी चीज़ को रोकना संभव नहीं है, पर उसको एक चैनलाइज कर देना, उसको एक राइट वे में ले जाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उनको हम सही दिशा में ले जाएं, वो महर्षि पतंजलि ने कहा है। जैसे आसन के बारे में आपने पूछा, योग के बारे में पूछा, योग हमेशा दो चीज़ों का मिलन योग होता है जी। तो आप किसी भी दो चीज़ को ले सकती हैं, यही ज़रूरी नहीं है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, हम एक और एक दो भी योग है। अगर हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं वो भी योग है, कि अपना वर्क, अपने इमोशन, अपना फुल 100% देते हैं वो भी योग है। तो हम इस योग को इस तरह से भी लेके चल रहे हैं और चलना चाहिए जी। योग में आप उन्होंने कहा है महर्षि पतंजलि ने, आसनानी शनै शनै, आसन जो है वो धीरे धीरे होने चाहिए, और एक और श्लोक का है उन्होंने, स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में आप सुख की अनुभूति करते हैं, जिस भी सिटिंग पोस्चर में या जिस भी सिचुएशन में आप सुख की अनुभूति करते हैं वो आसन है, वो योग है। और योग केवल आसन प्राणायाम से जुड़ा नहीं है, इसमें सभी कुछ लेके चलते हैं जी। आप इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि इंस्टीट्यूट जब आप चलाती हैं, बच्चे वहाँ पे सीखने आते हैं, वह योगा के क्लासेस लेने आते हैं, तो उनका किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, वो क्या उत्साहित होते हैं, उन पैशनेट होते हैं, क्या लगता है देख कर आपको कि नहीं, नई पीढ़ी जो है वो वाकई इस फील्ड में अपने करियर को एज अ करियर बना रही है, क्या लगता है देख के? बहुत लगता है कि जो भी नई जनरेशन है हमारी, वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है, और हर कोई अब योग की तरफ भाग रहा है, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट है, एक तो आप हेल्दी रहेंगे, प्लस प्रोफेशन आपका है, प्लस आप सोर्स ऑफ इनकम आपका इसमें है, और आपको सबसे अच्छा है आप जो टीचिंग का है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, वो बहुत अच्छा है कि इसमें आपको रिस्पेक्ट पूरी मिलती है, आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है, और आप अपने हेल्थ को आप फिट रख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल, जब आपने अपना इंस्टीट्यूट खोला, योगा इंस्टीट्यूट जब आपने खोला, तो क्या आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, या आपको कोई चुनौती का सामना करना पड़ा, कोई ऐसी रास्ते में कोई ऐसी बाधाएं आई जो कि लगा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती हूँ, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, या कुछ ऐसी परेशानी जो आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी हो? हाँ, 2004 से रजिस्टर्ड है हमारी ट्रस्ट, और इसके रजिस्ट्रेशन में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन क्योंकि जब तक हम इसको हाईलाइट कर रहे थे, बीच में एक समय ऐसा आया जब रामदेव जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुके थे, तो उस समय सभी लोग जो है उस तरफ झुक गए थे, उस समय थोड़ा सा हमें परेशानी आई थी, पर धीरे धीरे जैसे ही अब ये मोदी जी ने किया है योग को इंटरनेशनल लेवल पे, 170 देशों में उन्होंने इसको परमानेंट करने के लिए बोला है, तो अब हम लोग स्मूथली अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन अड़चने तो हर काम में आती हैं, कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप उसको स्मूथली लेके चलें, तो फेस तो सब करना पड़ता है। तो जैसा कहा जाता है कि हर फील्ड में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो क्या इस फील्ड में भी कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि बहुत सारे योगा क्लासेस इस वक्त भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कॉम्पिटिशन बहुत है इस फील्ड में? देखिए, जो सच में योगी हैं या जो अभ्यासी हैं, कंपटीशन सब जगह होते हैं, पर हमें अंदर से स्ट्रेंथ मिल जाती है सब कुछ झेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ योग से आती है और प्राणायाम से आती है, क्योंकि प्राणायाम हमें इंट्रोवर्ट बनाता है। तो हम यही बताते हैं योग से कि जेलसी, एक दूसरे से कंपटीशन, स्प्रेड, ये सबको आप साइड में रखिए, खुद पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी प्राणायाम की बात की, तो एक और सवाल मेरे जहन में है, और शायद मेरी जो सहेलियां इस कार्यक्रम को देख रही हैं उनके दिमाग में भी शायद कहीं ना कहीं ये सवाल कौन रहा होगा कि योग में कहा जाता है कि आप ओम शब्द का उच्चारण करें, तो इसका कोई खास रीजन है, कोई साइंटिफिक रीजन है, या फिर एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हम ओम शब्द का यूज करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं योग करने के दरमियान? देखिए, आध्यात्मिक देखें तो इसमें ओम का, ओम हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आ ओ और माँ, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का समावेश है इसके अंदर। तो हम सिर्फ एक ओम के उच्चारण से इन तीनों की पूजा कर लेते हैं, इन तीनों को मना सकते हैं। तो
ये तो एक इसका आध्यात्मिक एस्पेक्ट हुआ. और अगर आप इसको साइंटिफिक वे में देखें तो ओम हमें इंट्रोवर्ट बनाता है. जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आप महसूस करिएगा कि उसकी वाइब्रेशन फील होती है, वो धीरे धीरे हमें अंदर की तरफ ले जाता है. वो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों के लिए सोच के या दूसरों के बारे में सोच के बहुत डिस्टर्ब होते हैं. कभी हम खुद पर ध्यान नहीं देते. तो इसके लिए आप खुद पर ध्यान दें. तो एक बार ओम का उच्चारण ज़रूर, आपको 5 से 11 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए. योग से कहा जाता है कि कई सारी बीमारियां दूर होती हैं. हमारी सहेलियां भी ये जानना चाह रही होंगी कि क्या योग से जो हमारी इंटरनल ब्यूटी तो हमारी बढ़ती ही है, क्या योग से हमारे स्किन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जो हमारी बाहरी सुंदरता है, क्या वो निखर कर बाहर आती है? ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है. देखिए, योग आपको इंटरनल इम्प्रूव तो करता ही है. आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, अगर हम थेरेपी वाइज एनाटॉमी वाइज देखते हैं तो हमारे अलग अलग आसन अलग अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालते हैं. और वो इफेक्ट हमें इंटरनली इम्प्रूव करते हैं तो वो चेहरे पे दिखता ही है. अब आप देखिए कि होता क्या है कि आप अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो सपोज आप बीमार हैं तो वो चेहरे पे पता चल जाता है. मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका पूरा इनबैलेंस हो जाती है बॉडी. अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आपकी बॉडी इनबैलेंस होती है, और अगर आप बॉडी डिस्टर्ब है तो मेंटली आप इनबैलेंस होते हैं. तो इसके लिए जो इंटरनली हमें पहले योग इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो सब फेस पे अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ग्लो आ जाता है. ग्लो आ जाता है. और इसके लिए कुछ आसन और प्राणायाम अलग से हैं. बिल्कुल, जैसा कि अभी युक्ता जी ने बताया कि इंटरनली तो हम फिट होते भी हैं, आउटर ग्लो भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा आता है. आगे भी योग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सहेलियां आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे. फिलहाल लेकिन रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे. देखते रहिए सुनो सहेली. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम सुनो सहेली में. जी हाँ, जितनी भी सहेलियां इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रही हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज का हमारा विषय है योगा. योगा में आप किस तरह से करियर बना सकती हैं, योगा को किस तरह से आप एज अ करियर चूज कर सकती हैं और एक अलग मुकाम हासिल कर सकती है. और इन सभी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं युक्ति योगेश्वरी जी. योगेश्वरी जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है. आपसे बहुत सारे प्रश्न मैंने पहले भी किए थे और अभी भी मेरे जहन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं. जो सहेलियां इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हुए हैं. तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि आपने क्या क्या अचीव किया है इस फील्ड में? जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था जी. तो कंप्लीट करते ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली. मेरे गुरुजी के साथ मैंने असिस्ट किया है. मैं सबसे पहले बैंकॉक गई, वहाँ मैंने एक वर्कशॉप की है. उसमें वर्कशॉप में हम लोगों के पास काफ़ी सारे फॉरेनर्स होते हैं, उनको हम एकदम ट्रेडिशनल वे में हम बताते हैं जी. कि वो जो कर रहे हैं जिमनास्टिक टाइप, उससे एकदम हटके हम योग कराते हैं जी. और मैंने उसके बाद थाईलैंड में किया. इस तरह से मैंने अपनी शुरुआत की. पहले मैं बैंकॉक गई, फिर थाईलैंड गई, फिर उसके बाद मैंने चाइना में बीजिंग में गई हूँ. और फिर मैं अभी इंटरनेशनल योगा डे हुआ तो उसमें अल्जीरिया साउथ अफ्रीका गई थी जी. और अभी मैं रिसेंटली अब अप्रैल में मॉस्को जाने वाली हूँ जी. तो इसके लिए ये सब चैनल और टीवी चैनल्स पे भी कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं मैंने. 2002 में भी मैंने एक स्टार प्लस पे गुरुकुल सीरियल शुरू हुआ था, उस पर 11-12 एपिसोड शूट किए हैं जी. वो योग से ही रिलेटेड थे और डिजीज से रिलेटेड थे. किसी को ये कोई प्रॉब्लम हो तो कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए जी. और इसके अलावा मैंने बहुत एक बुक लिखी है फूड एंड योग जी. किस तरह का फूड होना चाहिए योगिक पर्सन के लिए और नॉर्मल पर्सन के लिए जी. कि वो अगर इस फील्ड में आ रहा है तो किस तरह का फूड खाना चाहिए, उसका पूरा डाइट चार्ट किस तरह से हो. एक बुक लिखी है मैंने, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, पर थोड़ा काम बचा है उसमें जी. और
जो हमारी ट्रस्ट है उसमें हम कोर्सेज चलाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, कैंप्स करते हैं जगह जगह, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सके। और वुमेन्स के लिए हमने जो है बहुत से कोर्सेज चलाए हुए हैं, जैसे प्राणायाम हुआ, आसन हुआ, और ध्यान के भी सेशन हम लोग करते हैं उसमें। तो यहाँ से सब चल रहा है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, जैसा कि होता है कि नॉर्मली महिलाएं सोचती हैं कि अगर उनकी एज हो गई है या फिर उनकी उनके उनको बेबी हो गया है तो फिर अब योग सीखने का क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं होता है। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगी, किस तरह से वो महिलाएं अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कुछ एक अपनी अलग पहचान बनाएं, योग के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, योग किसी भी एज और किसी भी डिजीज़ और किसी भी पेशेंट के लिए बाध्य नहीं है। जी, सिर्फ योग ही ऐसी चीज़ है कि एक पेशेंट भी कर सकता है इसको। अच्छा। बेड पर लेटे लेटे भी कुछ प्राणायाम, कुछ मूवमेंट होते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह से अगर महिलाएं या हमारी संगनी सहेलियां सोचती हैं कि हम अब योग नहीं कर सकते, तो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कुछ योग है, प्राणायाम है, वो ज़रूर करने चाहिए। वो आप करेंगे तो आपकी डिलीवरी भी ईजी होगी और आपको इम्प्रूवमेंट बहुत मिलेगा। बच्चा आपका जो बेबी होगा वो भी फ्यूचर में शायद कोई योगी बन जाए। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम योग थोड़ा थोड़ा घर में ही करते रहें। और ये योग का तो प्रोफेशन ऐसा है कि आप कुकिंग कर रहे हो तब भी आप योग कर सकते हो। तो ये तो आपके लिए, मतलब हर एक हमारी सहेली के लिए ये है कि बेनिफिशियल है कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में योग कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि जो ओल्ड सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज चलाए हुए हैं, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, 15 दिन के, 1 महीने के, इस तरह से कोर्सेज हैं। संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ हरिद्वार में है हमारा विश्व जागृति योग ट्रस्ट। और सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत अच्छा है, अब उनकी एज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है उनकी, अब उनको गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में आना है, तो सबसे अच्छा है योग के माध्यम से अपनी शुरुआत की शुरुआत। बिल्कुल, जैसे कि सीनियर सिटीजन की बात आपने की है, आपसे ये जानना चाहूंगी जो यूथ जनरेशन है, स्पेशली जो हमारी युवा लड़कियां हैं, जो हमारी युवा सहेलियां हैं, वो अगर इस क्षेत्र को एज अ करियर बनाना चाहें तो वो कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स कर सकती हैं जो ज़्यादा बेनिफिट होगा उनके लिए और उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है या संस्था है जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारी युवा सहेलियों को? देखिए, ऐसी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं योग की जो अब योग सिखाती हैं। हाँ। लेकिन मेरी उनसे सभी से ये सलाह है कि आप योग वही सीखिएगा जो आपको या तो स्पिरिचुअली या साइंटिफिक योग सिखाएं, क्योंकि आजकल आपने देखा भी होगा इतने सारे योग ट्रेनर हो गए हैं, इंस्ट्रक्टर हो गए हैं, कि वो सिखाते समय ये नहीं ध्यान रखते कि अगर हम किसी पेशेंट को सिखा रहे हैं तो उसको क्या आसन देना है और क्या नहीं देना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नॉर्मल बंदे को तो हर कोई योग सिखा सकता है, कोई भी अननोन बंदा भी आजकल टीवी देख के योग सिखाने लगा है। हाँ। पर मेरी है कि प्रॉपर एक गुरु हो, हमारे गुरु, हमारे जो गुरुजी हैं, जो ट्रस्ट के संचालक हैं मनीष आचार्य जी, बहुत ही साइंटिफिक वे में और एक आध्यात्मिक वे में, जैसे सीनियर सिटीजन उन्हें अध्यात्म की ज़रूरत है, उस वे में जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे योग देते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बस देना है और दे दिया, तो उस पर ध्यान रखते हैं। तो विश्व जागृति योग ट्रस्ट को सजेस्ट करूँगी मैं, और क्योंकि मैंने केवला धाम से योग का कोर्स किया है तो मैं उसे भी सजेस्ट करूँगी कि यहाँ दो जगह आप अपॉर्चुनिटी आप जाके देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल कहा जाता है कि अगर योग की क्लासेस करने तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो केवल आपको कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं, बस थ्योरी तक सीमित रहते हैं और उसके बाद होता है कि नहीं भाई अब तो क्लासेस खत्म हो गए हैं। तो क्या आप बताएंगे किस तरह से कोई ऐसी इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी संस्था जो केवल प्रैक्टिकल तक सीमित ना हो, स्पेशली जो छोटे शहर की जो हमारी बहनें इस वक्त कार्यक्रम को देख रही हैं, छोटे शहरों में ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं अवेलेबल होते, तो वो किस तरह से इस चीज़ को सीख सकती हैं, योग को सीख के उसको एज अ करियर वो अपना सकती हैं? स्पेशली अब मैं जानना चाहूँगी कि उन छोटे शहरों की बहनों के लिए आप क्या कहेंगी, क्या सजेशन देंगी?
तो इसके लिए सबसे अच्छा सजेशन ये है कि हमारे कैंप्स होते हैं, हर जगह जगह कैंप होते हैं, तो जो भी कैंप अपने यहाँ करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि केवल थ्योरी ही थ्योरेटिकल नॉलेज देना या केवल प्रैक्टिकल नॉलेज देना इनफ नहीं है, हमें उनको अगर उनके उनको कैरियर वाइज जाना है या फिर उनको खुद के अपने फिजिकली फिटनेस के लिए योग सीखना है तो वो रिक्वायरमेंट देखकर हम फिर उसको बताते हैं, उस तरह का योग देते हैं। जी बिल्कुल, और वैसा ही देना भी चाहिए, वैसे ही देना चाहिए। तो योग के भी कई कैटेगराइज होते हैं कि अगर आपको केवल यहाँ पे प्राणायाम सिखाया जाएगा या यहाँ पे कहना चाहिए कि नॉर्मल जो योग अभी चल रहा है ट्रेडिशन में वो योग सिखाया जाएगा, या फिर हमें योग के पूरी क्लासेस थॉरली करने चाहिए, या किसी एक कैटेगरी में हमें अपने आप को आगे लेकर जाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे 6 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उसमें वो आपको अष्टांग विन्यास पूरा सिखाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब सिखाते हैं, इसके साथ थ्योरी और क्रियाएं सिखाते हैं, हमारी षट क्रियाएं हैं वो सिखाते हैं, वो षट क्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे योग में। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया या ध्यान कर लिया तो योग हो गया। षट क्रियाएँ क्या होती हैं कि ये हमारी इंटरनल जो डिसऑर्डर होते हैं, क्लिंसिंग प्रोसेस है, उनको क्लियर करती हैं। जैसे हम नहाते हैं, फेशियल करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं एक्सटर्नली, ऐसे ही जो क्रियाज हैं 6 क्रियाज वो इंटरनली क्लीन करती हैं हमें। जब आप इंटरनली क्लीन हो तो एक्सटर्नली अपने आप ही क्लीन हो जाते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है जैसे वर्किंग है तो जो कैंप्स होते हैं या छोटे छोटे जो भी इंस्टीट्यूट में प्रॉपर तरीके से महीने की क्लासेस होती हैं या हफ्ते भर की क्लासेस होती हैं वो अटेंड कर लेनी चाहिए, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 मंथ का कोर्स कर सकती हैं, 1 साल का कोर्स कर सकती हैं। अगर मैं उन बहनों के लिए ये सवाल है मेरा कि अगर वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज अगर करना चाहें तो क्या उनके लिए इतना बेनिफिट नहीं होगा कि वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके एक अलग पहचान बना लें, एक अलग मुकाम हासिल कर लें? बिल्कुल 100% तो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो डिटेल में चीज़ आपको मिलती है वो डिटेल ही होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 प्राणायाम आपको बता दूँ, 4 आसन आपको बता दूँ, ठीक है, 2 क्रियाज आपको बता दूँ, तो आपको उतनी ही नॉलेज रहेगी, आप उस पर ही वर्क कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप इसको एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको डीप नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो बहनें हैं, जो संगनी हैं, वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ अपने टीचर को देखें। जी, तो एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैक्सिमम कितने साल का कोर्स होता है जिससे पूरी तरह से योगा आ जाए, हमारी जो हमारी सखी हैं, जो हमारी सहेलियां हैं, उन्हें मैक्सिमम कितने साल का कोर्स होता है? देखिए, सभी इंस्टीट्यूटों ने अपने अपने अलग अलग साल महीने डिसाइड कर रखे हैं जी। लेकिन योग के लिए कोई कोर्स, मैं मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, योग मतलब किसी कोर्स में 1 साल में 2 साल में या 3 साल में नहीं सीखा जा सकता, ये खुद के अनुभव से, टीचिंग से गेन होता है जी। तो जो 6 मंथ के कोर्सेज हैं, अगर आप सोचें उससे आप टीचिंग करें और काफ़ी गेन करें तो पॉसिबिलिटी है, संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सटर्नल एक गुरु की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ती है, ऐसा गुरु जो आपको कोर्सेज के अलावा नॉलेज दे सके, क्योंकि आप कोर्सेज जो करते हैं ना उसमें आपको वो नॉलेज नहीं मिलती है, इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी योग गुरु हैं हमारे पास, युक्ति योगेश्वरी जी। युक्ति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने हमारी सहेलियों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, और एक ऐसे विषय के बारे में स्पेशली आपने उन लोगों को बताया जो कि हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सहेलियाँ, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई योग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं तो जल्दी से उठिए और योगा क्लासेस ज्वाइन करिए और योग को पूरे विश्व में फैलाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।